गुड आफ्टरनून बच्चों, हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो आज का हमारा टॉपिक है द बिगनिंग ऑफ भक्ति। जो भक्ति है वो किस तरीके से, उसकी शुरुआत कैसे और कब कैसे हुई थी। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन द वर्शिप ऑफ सर्टन डाइटीज विच बिकम ए सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेंड इन इम्पॉर्टेंट। ये वो टाइम भी था जब बहुत सारे देवी देवताओं की इबादत की जाने लगी, विच बिकम ए सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेंड इन इम्पोर्टेंट, जो कि मुख्य मुख्य फीचर बन गया जो हिंदुइज्म धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें बहुत सारी उसकी इम्पोर्टेंट मिली। दीज डाइटीज इंक्लूड, जो ये देवी देवता, जो ये भगवान थे, वो कौन 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 से हो सकते थे, उसमें कौन कौन से इंक्लूड थे। शिवा, शिव भगवान जिसे बोलते हैं, या विष्णु भगवान, एंड गॉडेस और देवी सच एज दुर्गा, जैसे कि दुर्गा। दीज डाइटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति। भक्ति, ये जो देवी देवता है इनकी इबादत की जाती थी किसके जरिए, भक्ति के जरिए। भक्ति क्या होती है, एन आइडिया दैट बिकम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। वो आइडिया, वो विचार जो इस टाइम पे बहुत ही मशहूर हो गया। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। भक्ति का मतलब क्या है कि जो एक इंसान है उसकी जो भावना है, उसकी जो पूजा करने की भावना है अपने भगवान के प्रति, उसको समझना, उसको क्या बोलते हैं भक्ति। एनी बॉडी वेदर रिच और पुअर, कोई भी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट, चाहे वो किसी ऊंची जात का हो या छोटी जात का हो, मैन और वुमेन, आदमी या औरत, कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, वो इस भक्ति को फॉलो कर सकता है या इसको अपना सकता है। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता। जो भक्ति का आइडिया है वो किसमें शामिल था, किसमें प्रेजेंट था, वो भगवद गीता में। ए सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज, एक पवित्र किताब किनकी है, हिंदुओं की है। विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत, जो किसमें है, इंक्लूड किसमें है, महाभारत में। सी चैप्टर 11, चैप्टर नंबर 11 पे आप देखिए। इन दिस कृष्णा द गॉड, इसमें क्या है, जो कृष्ण भगवान कृष्ण है, आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड हिज फ्रेंड, अपने जो अर्जुन है उसका जो भक्त है या उसका दोस्त है, उसको कहता है कि अबेंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन हिम, कि सारे मोह माया छोड़ दो और उसकी शरण में आ जाओ, भगवान कृष्ण की शरण में आ जाओ। एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी इवल, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो कि अर्जुन को हर बुराई से बचा सकता है। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो इबादत करने का तरीका है, ये धीरे धीरे हमारा जो मुल्क है उसके बाकी हिस्सों में भी, जो मुल्क के बाकी हिस्से थे उसमें भी फैल गया। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्फेसाइज डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ ए गॉड और गॉडेस रादर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एलाबोरेट सेक्रीफाइस। वो लोग जो इस भक्ति सिस्टम को मानते थे या इसको फॉलो करते थे, उन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, ताकि डिवोशन, इसको बढ़ावा दिया, भक्ति को बढ़ावा दिया, और जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसको बढ़ावा दिया, राधर देन किसके अलावा, किसके बजाय, इसके बजाय परफॉर्मेंस ऑफ एलोबरेट सेक्रीफाइस, जो कुर्बानियाँ देने के बजाय उन्होंने जो हम भगवान की भक्ति करते हैं उसको क्या किया, उन्होंने बढ़ावा दिया, उसको प्रोत्साहन दिया। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीव, इस जो हमारा यकीन है, इसके मुताबिक, इफ़ ए डिवोटी वर्शिप्स द चूजन डाइटी विद ए प्योर हार्ट, अगर कोई भक्त अपनी जो उसका भगवान है, जिसको उसने भगवान मान रखा, उसकी इबादत करता है सच्चे दिल से, द डाइटी विल अपियर इन द फॉर्म ऑफ इन विच ही और शी मे डिजायर, वो उसके सामने प्रकट हो जाता है, वो उसके सामने आ जाता है जिसमें, जिस फॉर्म में उसने उसकी पूजा की होती है या जिस फॉर्म में वो भक्त चाहता है। सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज ए ह्यूमन बींग, लॉइंग ट्री और एनी अदर फॉर्म, जो ये भगवान है वो किसी भी तरीके में आ सकता है, या तो इंसान के रूप में आ सकता है, या किसी शेर के, या किसी पेड़ के, और एनी अदर फॉर्म, और किसी और तरीके में, किसी और फॉर्म में आ सकता है। व्हेन दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस, जब इस आइडिया को मंजूरी मिल गई, आर्टिस्ट मेड ब्यूटिफुल इमेजेस ऑफ दीज डाइटीज, जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, उन्होंने इन भगवानों की क्या की, सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। तो बच्चों आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।